हेलो एवरीवन। चलो बच्चे, एक लास्ट क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल का करेंगे। क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है ये वाला। इसमें ना हमें कुछ रेशियोज निकालनी है इस क्वेश्चन में ना। अगर हम देखें ये पेज नंबर बेटा आपका 15.57 है स्टडी मटेरियल का। ये कुछ रेशियोज हमें निकालनी है, एफिशिएंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, कैलेंडर रेशियो, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो, एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो और एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशियो। मैं आपको कुछ फॉर्मूलेज लिखवा रहा हूँ, फिर कैसे निकालने हैं वो डिस्कस करेंगे। लिखो बेटा। कुछ रेशियोज बेटा लिखेंगे। चलो बेटा, इसमें पहली रेशियो आप लिखोगे एफिशिएंसी रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। और ये परसेंटेज में निकालोगे तो मल्टीप्लाई बाय 100। कॉपी करते रहना बेटा साथ साथ। ये तो हो गई आपकी फर्स्ट रेशियो। सेकंड लिखो फिर एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय बजटेड आवर्स फॉर बजटेड आउटपुट इनटू 100। ठीक है, फिर थर्ड कॉपी कर लो पहले ये दोनों। ठीक है बेटा, कॉपी करो पहले। फिर आओ थर्ड रेशियो, कैलेंडर रेशियो। कैलेंडर रेशियो, अच्छा कैलेंडर रेशियो का फॉर्मूला है एक्चुअल डेज डिवाइड बाय बजटेड डेज। याद रखना कैलेंडर हमेशा डेज में होगा बेटा, आवर्स में नहीं होता है, इनटू 100। ये आपकी थर्ड रेशियो कैलेंडर रेशियो। ठीक है, फिर फोर्थ कॉपी करते रहो, कर लो कॉपी कर लो पहले। अच्छा अगला लिखो स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो। स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो। स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो बच्चे, इसका फॉर्मूला है आपका बजटेड आवर्स बजटेड आवर्स डिवाइड बाय मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स, मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स इन अ बजटेड पीरियड, डिवाइड बाय मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स इन अ बजटेड पीरियड मल्टीप्लाई बाय 100। मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स इन अ बजटेड पीरियड मल्टीप्लाई बाय 100। चलो बेटा कॉपी करो साथ साथ मेरे। फिफ्थ, फिफ्थ है एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो। एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो। चलो पहले इतना लिख लो पहले, फिर करते हैं। इसका फॉर्मूला है एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय वही सेम मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स इन अ पीरियड।
into 100, मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स इन अ पीरियड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। और बचे सिक्स लिखना अपना फॉर्मूला, पहले कॉपी कर लो इतना। सिक्स्थ, सिक्स्थ है एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशियो। एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशियो फॉर्मूला, एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय बजटेड आवर्स इनटू 100। बेटा इस पे ना क्वेश्चन आ जाता है इन रेशियोज पे, इनफैक्ट आया हुआ भी है, तो बाय हार्ट याद कर लेना ये फॉर्मुलेस। अभी मैं आपको एक स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन करवाता हूं, उसमें हम निकाल के देखेंगे। कर लिया बेटा कॉपी सबने? करें क्वेश्चन करें इसका? चलो बच्चे आओ मेरे साथ साथ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 पहले पढ़ते हैं एक बार, फिर देखते हैं। देखो देखो बेटा, फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर डीकेजीएन कंपनी। स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स हैं 8 आवर्स पर डे और 5 डेज पर वीक। मैक्सिमम कैपेसिटी 50 इंप्लॉइज की है और एक्चुअल में काम कर रहे हैं 40 इंप्लॉइज। एक्चुअल आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी वर्कड पर वीक पर 4 वीक 6400 आवर्स। मतलब एक तरीके से ना, एक तरीके से ये आपके बजटेड आवर्स आ गए। एक्चुअल आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी वर्कड मतलब बजटेड आवर्स आ गए ना बेटा। आप चाहो तो ना आप इसे निकाल भी सकते हो बजटेड आवर्स को, पता कैसे? सुनो यहां पर देखो, 8 आवर्स रोज के हैं, 8 आवर्स रोज के, तो हफ्ते में 5 दिन है, तो इसका मतलब हफ्ते के 40 आवर्स हो गए। ये हफ्ते के हो गए। अच्छा, हम कर रहे हैं 4 वीक्स का केस, तो एक हफ्ते में 40 आवर्स, तो 4 वीक्स में 160 आवर्स ये एक एम्प्लॉय के आए। और एक्चुअल में बेटा काम कितने एम्प्लॉयज कर रहे हैं? 40। तो इसे करोगे तो आ जाएगा 6400 आवर्स। मतलब इतने आवर्स काम होना चाहिए था। ये कौन से आवर्स आ गए? बजटेड। अच्छा, फिर स्टैंडर्ड आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी अर्नड पर 4 वीक 8000 आवर्स। एक्चुअल आवर्स वर्कड, तो ये बेटा आपके आ गए एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स अर्नड इन द 4 वीक पीरियड, ये आपके आ गए स्टैंडर्ड आवर्स। पक्का? अच्छा, पहले क्या निकालना है? एफिशिएंसी रेशियो। आओ बेटा साथ साथ मेरे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, पहले हमें निकालना है एफिशिएंसी रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स इनटू 100। तो क्वेश्चन में देखो, स्टैंडर्ड आवर्स आपके 7000 थे, एक्चुअल आवर्स 6000 इनटू 100, मतलब एफिशिएंसी रेशियो 116.67%। ये आपकी एफिशिएंसी रेशियो आ गई। फिर बेटे सेकंड, सेकंड है एक्टिविटी रेशियो, सेकंड है एक्टिविटी रेशियो फॉर्मूला, स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइड बाय बजटेड आवर्स इनटू 100। स्टैंडर्ड आवर्स 7000
बजटेड आवर्स देखो हमने निकाले थे 6400 इंटू 100, सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 109.375%। ये आपका आ गया एक्टिविटी रेशियो, 109.375%। ठीक है, कॉपी करो, पहले इतना कॉपी कर लो, 109.375%। ठीक है, चलो बच्चे अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में निकालना है कैलेंडर रेशियो। थर्ड पार्ट में कैलेंडर रेशियो, ये तो खैर सिंपल है फॉर्मूला इसका, एक्चुअल डेज डिवाइड बाय बजटेड डेज इनटू 100। ठीक है, अब मुझे एक बार बताओ बजटेड डेज बेटा कितने हैं। ये देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन, देखो मुझे बताओ, हफ्ते में 5 दिन काम होता है, हफ्ते में 5, ठीक है, और 4 हफ्ते हैं, तो बेटा बजटेड डेज 20 आते हैं। लेकिन बेटा काम 20 डेज नहीं हुआ, लास्ट लाइन पढ़ो, देयर वॉज वन स्पेशल हॉलीडे ड्यू टू अ नेशनल इवेंट, तो एक्चुअल में काम सिर्फ 19 डेज ही हुआ इनटू 100, तो कैलेंडर रेशियो 95%। कैलेंडर रेशियो 95%। ठीक है, अच्छा फोर्थ, फोर्थ हमें निकालना है स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो। स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो, अच्छा इसका फॉर्मूला है बजटेड आवर्स, बजटेड आवर्स, डिवाइड बाय मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स इन अ पीरियड। अच्छा मुझे बताओगे कितने बजटेड आवर्स थे, 6400 बजटेड आवर्स थे ना, 6400 बजटेड आवर्स डिवाइड बाय, सबसे ऊपर आओ मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स निकालते हैं, मैक्सिमम एक दिन में 8 आवर्स, तो हफ्ते में 5 दिन है, तो हफ्ते के 40 आवर आ गए, 4 हफ्ते हैं, 160 घंटे आ गए 4 हफ्तों के, या एक एम्प्लॉय के, और मैक्सिमम कैपेसिटी 50 एम्प्लॉयज की थी, यानी मैक्सिमम पॉसिबल आवर जो काम हो सकता था दैट वाज 8000 आवर्स, तो 8000 बजटेड आवर्स हो सकते थे, लेकिन हैं कितने, 6400, मतलब आप कितनी कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हो, 80% कैपेसिटी। ये आ गया स्टैंडर्ड कैपेसिटी रेशियो। फिर बेटा फिफ्थ, फिफ्थ आपको निकालना था एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो, एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो। चलो पहले सॉल्व करो, यहां तक सॉल्व करो, इसका फॉर्मूला वही सेम है, बस न्यूमरेटर चेंज कर देना, एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स इन अ पीरियड इनटू 100। अब मुझे बताओ एक्चुअल आवर्स कितने थे, एक्चुअल आवर्स 6000 और मैक्सिमम पॉसिबल आवर जो काम हो सकता था वो था 8000, इसका मतलब करंटली आप अपनी 75% कैपेसिटी पे काम कर रहे हो, काम हो सकता था 8000 घंटे, लेकिन आप काम कर रहे हो सिर्फ 6000 घंटे, मतलब आप अपनी 75% कैपेसिटी पे काम कर रहे हो। और बच्चे इसमें लास्ट आता है हमारा एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशियो, एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशियो। सिंपल है ये तो, एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय बजटेड आवर्स इनटू 100,
अच्छा एक्चुअल आवर्स कितने? एक्चुअल आवर्स काम हुआ 6,000, बजटेड 6,400 इंटू 100। सॉल्व करोगे तो ये आएगा 93.75%, 93.75%। बस बेटा लो, रेशियोज हो गई आपकी 6 की 6, कॉपी कर लो यहां तक। फिर एक लास्ट क्वेश्चन आपको इस चैप्टर का कराऊंगा, एग्जाम का क्वेश्चन है। स्टडी मटेरियल के हमने क्वेश्चंस करे हैं, एक एग्जाम का क्वेश्चन करना है बस, लास्ट कॉपी कर लो इतने। अच्छा बेटा जो एग्जाम का क्वेश्चन है ना, वो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से वो वाला क्वेश्चन आप अपना डाउनलोड कर लेना। ठीक है बेटा, चलो आओ। ये आपके ना एग्जाम का क्वेश्चन है, ये है आपका नवंबर 2018 का क्वेश्चन, नवंबर 2018 का बेटा क्वेश्चन करेंगे। प्रोडक्शन बजट, कंजम्पशन बजट, परचेज बजट के ऊपर बेटा क्वेश्चन आया था। आ जाओ एक रीडिंग मान लें। एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मैन्युफैक्चरर हैज प्रिपेयर्ड सेल्स बजट फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। इन दिस रिस्पेक्ट फॉलोइंग फिगर्स आर अवेलेबल। आपको जैन से मई तक की बेटे सेल्स दे रखी हैं। टू मैन्युफैक्चर एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अ स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ 1500 इज इंकर्ड एंड इज सोल्ड थ्रू डीलर्स एट अ यूनिफॉर्म प्राइस ऑफ 2000 पर गैजेट टू कस्टमर्स। डीलर्स आर गिवन अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन सेलिंग प्राइस। अपार्ट फ्रॉम अदर मटीरियल, ध्यान से, टू यूनिट्स ऑफ बैटरीज आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर अ गैजेट। कंपनी वॉन्ट्स टू होल्ड स्टॉक ऑफ बैटरीज एट द एंड ऑफ ईच मंथ टू कवर 30% ऑफ नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन एंड टू होल्ड स्टॉक ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गैजेट्स टू कवर 25% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल्स। 3250 यूनिट्स ऑफ बैटरीज एंड 1200 यूनिट्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गैजेट्स वर इन स्टॉक ऑन 1 जैन। प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट इन यूनिट्स फॉर द मंथ ऑफ जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। चलो बेटा आ जाओ मेरे साथ साथ, करा भाई सबने, करो। देखो सिंपल सा क्वेश्चन, क्या बनाना है आपको? प्रोडक्शन बजट। ठीक है, कौन से मंथ्स का? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, 4 मंथ्स का बनाना है। लेकिन बेटे मई मंथ भी लिख लेना, इसकी जरूरत पड़ती है हमें। सबसे पहले लिखो सेल्स। आपको हर मंथ की सेल्स दे रखी थी, जैन की 5,000, फेब की 6, मार्च की 7, अप्रैल की 7,500 और मई की 8,000। ठीक है, चलो बेटा अब करते हैं प्रोडक्शन बजट। 2 मिनट। अच्छा मेरी बात सुनना बेटा, अब मुझे बताओ ये प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या होता था? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। चलो करें, एक काम करो, सेकंड पेज पे सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन पढ़ना, इनफैक्ट थर्ड लाइन। टू होल्ड स्टॉक ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गैजेट्स, मतलब फिनिश्ड गुड्स, टू कवर 25% ऑफ नेक्स्ट मंथ्स सेल। मतलब पता है हम क्लोजिंग स्टॉक कितना रखते हैं? अगले मंथ की सेल्स का 25%। तो बताओ अगला मंथ कौन सा है? फेब। फेब की सेल्स 6,000 का 25%, 1,500 का क्लोजिंग स्टॉक। मार्च में रखेंगे हम 7,000 की सेल्स का 25%, 1750। अच्छा मार्च में 7,500 का 25%,
1875, और अप्रैल में 8000 का 25%, 2000 मई का मुझे नहीं चाहिए। अब बताओ, जो जैन का क्लोजिंग है वो फेब का ओपनिंग, फेब का क्लोजिंग मार्च का ओपनिंग, मार्च का क्लोजिंग अप्रैल का ओपनिंग, और जैन का ओपनिंग ना सबसे लास्ट लाइन में दे रखा था 1200 यूनिट्स का, 1200। बस ये आपका प्रोडक्शन बजट बेटा बन गया 5300, 6250, 7125, करो कितना आता है, 7500 प्लस 2000 माइनस 1875, 7625। लो बेटा ये आपके हर मंथ का क्या आ गया, प्रोडक्शन, ये आपके हर मंथ का प्रोडक्शन आ गया। कॉपी करो बेटा इतना, फिर अगले बजट पे आते हैं। कॉपी कर लो, अच्छा सेकंड पार्ट पढ़ोगे ना तो उसने परचेज बजट बनाने को कहा है इन यूनिट्स, और आपको अच्छी तरह पता है परचेज बजट डायरेक्टली तो बेटा बन ही नहीं सकता ना, पहले आपको कंजम्पशन बजट बनाना पड़ता है। मैंने कहा था सीरियल ऑर्डर में चलेगा, बिना कंजम्पशन बजट के आप परचेज बजट नहीं बना पाओगे। बनाओ कंजम्पशन बजट। अच्छा मुझे ना परचेज बजट जैन फेब और मार्च का बनाना था, तो सारे मंथ्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप 4 मंथ्स लिख लेना, जैन फेब मार्च और एक और लिख लेना अप्रैल। अप्रैल चलो बेटा करना शुरू करते हैं कंजम्पशन बजट। अच्छा कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या था, प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। प्रोडक्शन लिखो, जैन का 5300, फेब का 6250, मार्च का 7125, अप्रैल का 7625, मल्टीप्लाई बाय सेकंड पेज पे जो सेकंड पैराग्राफ है उसकी फर्स्ट लाइन, टू यूनिट्स ऑफ बैटरीज आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर अ गैजेट, तो एक यूनिट फिनिश्ड गुड्स का बनाने के लिए 2 यूनिट रॉ मटेरियल के लगते हैं, एक गैजेट बनाने के लिए 2 बैटरी लगती हैं, तो 5300 गैजेट्स को बनाने के लिए 10600 बैटरीज लगेंगी, 12500 बैटरीज लगेंगी, 14250 बैटरीज लगेंगी, और इसे भी देखो 7625 इंटू टू, 15250 बैटरीज लगेंगी। बस ये बेटा आपका क्या आ गया, कंजम्पशन। चलो कॉपी करो, ठीक है ये आपका बेटा कंजम्पशन आ गया, हर मंथ का कंजम्पशन आ गया आपका। अच्छा अब बनाएंगे बस परचेज बजट, बना लो पहले ये। चलो बेटा आ जाओ थर्ड पॉइंट, क्या बनाना है, परचेज बजट। चलो बनाओ, 4 कॉलम बनाना, कौन कौन से 4, जैन फेब मार्च और एक एक्स्ट्रा बना लेना अप्रैल, ठीक है। अच्छा परचेज कैसे निकालते हो, सबसे पहले आता है कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें ऐड करते हो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, माइनस करते हो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल,
है ना। चलो बेटा करते हैं, मुझे बताओ कंजम्पशन कितना आया। ये देखो कंजम्पशन 10,600 लिखो, 10,600, 12,500, 14,250 और 15,250। चलो ये आ गया मेरा हर मंथ का कंजम्पशन। अब सुनो क्लोजिंग स्टॉक ध्यान से जरा, सेकंड पेज पे सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन, कंपनी वांट्स टू होल्ड स्टॉक ऑफ बैटरीज एट द एंड ऑफ ईच मंथ टू कवर 30% ऑफ नेक्स्ट मंथ्स प्रोडक्शन। अब ये सुनना जरा, पता है बेटा इसमें ना कंफ्यूजन है थोड़ी सी, सुनो मेरी बात सुनो। उसने कहा हम पता है स्टॉक में कितना रखते हैं, हम स्टॉक में रखते हैं टू कवर 30% ऑफ नेक्स्ट मंथ्स कंजम्पशन। मतलब हम कितना स्टॉक रखते हैं रॉ मटेरियल का, हम इतना स्टॉक रखते हैं ताकि अगले मंथ के प्रोडक्शन का 30% हम प्रोड्यूस कर पाए। नहीं समझ आया, ये देखो इधर आओ प्रोडक्शन देखो। उसने कहा हम रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक कितना रखते हैं, इतना ताकि अगले मंथ के प्रोडक्शन का 30% हम बना पाए। तो अगले मंथ का प्रोडक्शन कितना था बेटा, 6250। तो मेरे को बताओ 6250 का 30% बना पाए मतलब 1875 गैजेट्स बना पाऊं। तो इसका मतलब मैं अपने पास रॉ मटेरियल इतना रखूंगा ताकि 1875 गैजेट्स बना पाऊं। और आपको अच्छी तरह पता है एक गैजेट को बनाने में दो बैटरी लगती हैं, तो 1875 को बनाने में 3750 बैटरीज लगेंगी बेटा क्लोजिंग स्टॉक में। करें अगला, सुनो अब फिर से सुनो। अब बताओ अगले मंथ का प्रोडक्शन कितना है, 7125। तो उसने कहा हम रॉ मटेरियल का स्टॉक इतना रखते हैं ताकि अगले मंथ के प्रोडक्शन का 30% हम बना पाए। तो 7125 का 30%, 2137.5 यूनिट्स बना पाऊं मैं, इतना रॉ मटेरियल रखूंगा और एक यूनिट को बनाने में दो बैटरी, तो 2137.5 को बनाने में 4275 बैटरीज का स्टॉक रखना पड़ेगा आपको, 4275 बैटरीज का स्टॉक। सेम मार्च का करो, अगले मंथ का है 7625, तो 7625 का 30% बना पाऊं मतलब 2287.5, एक को बनाने में दो बैटरी रखती हैं, तो 4575 का स्टॉक मुझे रखना पड़ेगा। अप्रैल का तो जरूरत नहीं है मुझे। अच्छा जो जैन का क्लोजिंग है वो फेब का ओपनिंग, फेब का क्लोजिंग मार्च का ओपनिंग। अब बताओ कि जैन का ओपनिंग कितना है, वो दे रखा था 3250। चलो बेटा कैलकुलेट करो, 11,000 कितना रहे, 11,100, 10,600 प्लस 3750 माइनस 3250, 11,100। अच्छा अगला 12,500 प्लस 4275 प्लस 3750, 20525। फिर मार्च का, सॉरी माइनस है ये, 12,500 प्लस 4275 माइनस 3750, 13025 मार्च का, 14,250 प्लस 4575 माइनस 4275, 14,450। ये आपकी आ गई बेटा परचेजेस। चलो कॉपी कर लो, और अप्रैल की मुझे जरूरत है नहीं, तो इसे तो छोड़ देना अप्रैल को, करो इतना पहले। हो गया बेटा,
अब बताओ लास्ट पार्ट क्या था? आपको प्रॉफिट निकालना है फॉर द क्वार्टर एंडिंग ऑन मार्च। चलो प्रॉफिट निकालना है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाएंगे बेटे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट फॉर क्वार्टर एंडिंग मार्च, मतलब जैन फेब और मार्च का ही करना है। तो जैन फेब और मार्च, ठीक है बेटा। पहले मुझे ना ये बता दो, सुनो अब एक काम करो जरा, आप सेकंड पैराग्राफ में ना, सेकंड पैराग्राफ में सेकंड जो पेज है उस पे फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें मुझे बताना एक गैजेट का सेलिंग प्राइस क्या है। सेलिंग प्राइस पर गैजेट 2,000 रुपये, 2,000 रुपये। अच्छा इसमें से अगर आप पढ़ोगे तो हम कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं 15% का, तो 300 रुपये का डिस्काउंट एक गैजेट पे, एक गैजेट पे 300 रुपये का डिस्काउंट। तो बताओ कितना बचा? 1700, 1700, 1700, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ आप एक गैजेट को बनाने में कॉस्ट कितनी इंकर करते हो? 1500 रुपए की कॉस्ट, तो बताओगे एक गैजेट पे फिर प्रॉफिट कितना कमा रहे हो? 200 रुपए का प्रॉफिट एक गैजेट पे, एक गैजेट पे 200 रुपए का प्रॉफिट है ना। और बताएगी हमने गैजेट सोल कितने करे, सेल कितने गैजेट्स की करी? जैन में हमने गैजेट्स बेचे 5,000, मार्च फेब में 6,000, मार्च में 7,000। तो बस प्रॉफिट निकाल लो, एक गैजेट पे 200 का प्रॉफिट, तो 5,000 गैजेट्स पे 10 लाख का, 12 लाख का और 14 लाख का प्रॉफिट। तो इसका मतलब आपका टोटल प्रॉफिट आ गया 36 लाख का, टोटल प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर एंडिंग मार्च आपका आ गया 36 लाख का। 10 और 12 22 प्लस 14 36 लाख का, ठीक है बच्चे। चलो कॉपी कर लो, चैप्टर आपका फिनिश हो गया बेटा। ये एग्जाम का क्वेश्चन था सिंपल सा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था एग्जाम में नवंबर 2018 में, स्कोरिंग क्वेश्चन, ठीक है बेटा। चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं, नया चैप्टर शुरू करेंगे। टिल देन थैंक यू।